हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डीसीएम टेस्ट सीरीज जेई 2021 का डीटीएस नंबर 41 डिस्कस करने वाले हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें आप देख रहे हैं क्या आया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो जैसा दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द सेम करंट इज पास थ्रू 3 सेल, सीरीज में है तो करंट तो सेम ही रहेगा। कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन NaOH एंड Al2SO4 ना ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड। अब आप देखो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, दूसरा Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और क्या हो सकता है, कहाँ गया, Al+3 ना, और सल्फेट -2। तो एक तो देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसमें कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, मेटल सिर्फ ये डिपॉजिट होगा, उससे थोड़ा कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, तो उसके बाद हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। बाकी देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका या इससे इसका ज्यादा होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट वाले में सिल्वर डिपॉजिट होगा, सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर। अब वो बोला हुआ है कि कितना डिपॉजिट हुआ है, 10.8 ग्राम, बाकी तो कोई डिपॉजिट होगा नहीं। तो अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, इसका 108 होता है, 108 ग्राम डिपॉजिट तब होता है जब आप 1 फेराडे पास करते हैं, 1 फेराडे। तो 10.8 ग्राम अगर डिपॉजिट हुआ है तो कितना फेराडे पास किया होगा, 0.1 फेराडे, 0.1 फेराडे आपने पास किया है, ठीक है। अब तो इसमें देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में H जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट एक्वस है तो यहां भी H+ और OH- होगा, तो इसमें भी जो कैथोड पर जाएगा वो H+ जाएगा। तो मेटल जो डिपॉजिट होगा ना वो सिर्फ सिल्वर होगा, और सिल्वर ही डिपॉजिट हुआ, उसका बोला हुआ है कितना है, 10.8 ग्राम। तो देखो वैसे आंसर तुम्हारा आ गया 10.8 ग्राम, 10.8 ग्राम मेटल सिर्फ सिल्वर ही डिपॉजिट होना है, सिर्फ सिल्वर डिपॉजिट है, उसने बोला 10.8 ग्राम, तो 10.8 ग्राम तो है ही हमारे पास, बाकी देखो कहीं भी 10.8 ग्राम नहीं है, तो आंसर तो खैर आ गया, बाकी दूसरा भी देख लेते हैं। अब आप देखो यहां पे NO3 है, OH- भी होगा वाटर का, OH- मैं थोड़ा ईज के लिए लिख दे रहा हूं, वैसे वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो OH- ईज के लिए लिख रहा हूं, तो OH- यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब आप देखो OH- जब जाता है तो क्या बनाता है, H2O+ ½O2, ½O2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बैलेंस कर दिया हमने, तो 2 फेराडे से 1 मोल, यस सॉरी हाफ मोल यहां से आएगा, हाफ मोल यहां से आएगा, 2 फेराडे से, 2 फेराडे से कितना आ रहा है, 1.5 मोल। भाई यहां से आधा मोल मिलेगा, हाफ मोल यहां से ऑक्सीजन मिलेगा, हाफ मोल इससे ऑक्सीजन मिलेगा, 2 फेराडे जब पास करेंगे तो 1.5 मोल मिलेगा, लेकिन पास तो आपने कितना किया है, 0.1 फेराडे, तो 0.1 फेराडे से कितना मिलेगा, 1.5 / 2 × 0.1, तो ये हो गया हमारा 0.15 / 2, इतना फेराडे, सॉरी इतना फेराडे कह रहा हूं, इतना मोल O2 हमें मिला होगा, इतना मोल O2 हमें मिला होगा। तो वॉल्यूम एट STP पर कितना हो गया, वॉल्यूम एट STP पर मोल ऑफ O2 ऑब्टेन 0.15 / 2 इंटू कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, तो हो जाएगा ये 0.15 × 11.2 लीटर, इतना आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आंसर तो हमारा इसी से आ गया, तो बड़ा क्वेश्चन है,
जेई क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन सेट करता है, देखने में दूसरी वैल्यू बहुत सेट इस तरह से रहेगा कि विद इन सेकेंड भी बहुत सारे के आंसर निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। 20 वॉल्यूम अगर दिया है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ, तो नॉर्मेलिटी कितनी होती है इसकी, 4x डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर में। x यहां वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ है, x यहां वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ है। वॉज लेफ्ट ओपन, छोड़ दिया गया उसे, और वो डिकम्पोज होना शुरू हुआ। टू डिटरमाइन द न्यू वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ आफ्टर 6 आवर, टाइम कितना दिया है, 6 आवर टाइम दिया है। 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, इसका 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन डायलूट कर दिया 100 ml तक। अब 100 ml तक डायलूट कर दिया, फिर इस डायलूटेड का 10 ml लिया है इसको टाइट्रेट करने के लिए। तो डायलूटेड H2O2 का मिली इक्विवेलेंट जितना डायलूटेड 10 ml का मिली इक्विवेलेंट होगा, उसी से ये रिएक्ट किया है कंप्लीटली। तो इसका मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका मिली इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 25 into, देखो ये मोलैरिटी दिया है 0.25, तो इसका नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे ये 625, ये हो गया into 5, इतना मिली इक्विवेलेंट आ गया। इतना मिली इक्विवेलेंट किसका है, ये डायलूटेड जो H2O2 है 10 ml, उसको कंप्लीटली ऑक्साइडाइज करने के लिए इतना। तो जितना रहा होगा डायलूटेड 10 ml का मिली इक्विवेलेंट, उतना ही लगा है इसमें। तो हमें, हमारे पास तो डायलूटेड थोड़ी ना है, ये जो 20 वॉल्यूम है वो तो कंसेंट्रेटेड वाले का था ना, 10 ml डायलूटेड का। सो 10 ml, अब कहां लिखा जाए इसको, सो कंसेंट्रेटेड 10 ml H2O2 मिली इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा, 6.25 into 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आ गया सही है। ये डिकम्पोज होने के बाद इतना है हमारे पास, पहले फिर कितना था बचा, देखो इतना है, पहले कितना था, पहले मिली इक्विवेलेंट इनिशियली, ये फॉर्मूला याद अगर हो आपको, x इज वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ, ध्यान रखना मिली इक्विवेलेंट में कर रहा हूं, तो 4 into 20 डिवाइडेड बाय 10 ml का जो इनिशियल कितना था, इसको देखो वॉल्यूम इसमें ले ले रहा हूं मिली में, into 10 into 1000, ये आ गया। तो ये हमारा हो गया a, और ये क्या हो गया, a माइनस x, सही है शुरू वाला। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी, 6 आवर है, आवर में ही निकाल लेंगे, लॉग, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चलो कर लेते हैं, 8000 हो गया, 8000 डिवाइड बाई 224 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास कितना है, 6.25 into 5 into 10, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 आ जाएगा। तो हुआ क्या, किया क्या हमने, कि पहले कितना था मिली इक्विवेलेंट, और जब उसको 6 आवर के लिए लेफ्ट कर दिया तो डीकंपोज हुआ, डीकंपोज होने के बाद कितना बचा मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, जितना बचा होगा उतना ही रिएक्ट किया होगा इससे, जितना बचा होगा उतना ही रिएक्ट किया होगा। तो ये जो रिएक्ट किया था वो 10 ml डाइल्यूटेड का था, हम लोग ले रहे हैं 10 ml कंसेंट्रेटेड का,
कंसंट्रेटेड का पहले 10 ml कितना था ना, 10 ml कंसंट्रेटेड का 6 आवर के बाद कितना बचा, तो बचा 6 आवर के बाद बचा निकाल लिया, पहले कितना था वो यहां निकाल लिया। तो लेफ्ट इनिशियल बाय लेफ्ट टी दिया है आपको, तो के आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन, आप करना पड़ेगा एक बार थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो, कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, यहां पर देख लो 20 ml हमारे पास क्या है, KOH है, और इसको टाइट्रेट किया गया है इतना मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी, मतलब H2SO4 से। तो अब आप जानते हो N1V1 इक्वल टू N2V2, ये हो गया। देखो ये मोलैरिटी दिया है, तो इसको एक बार पहले तो ऐसे कर लेते हैं। अब आप देखो ये है इक्विवेलेंस पॉइंट, हमने एसिड लिया था, सॉरी बेस लिया था, ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, और डालते 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 वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हुआ 15 ml, तो सारा का सारा बेस जो है वो अंदर क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब जितना बेस था, जैसे ही इस कंसंट्रेशन का 15 ml डाला, वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दिया। तो देखो इसका मोलैरिटी कितना दिया है 0.2, n फैक्टर कितना होगा 2, वॉल्यूम जो लगा है इक्विवेलेंस पॉइंट में 15 ml है, इसका 20 ml है, नॉर्मेलिटी में इसका निकाल ले रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो हो गया 10, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 15 डिवाइड बाई 10, ये नॉर्मेलिटी आ गई। अच्छा इसका n फैक्टर कितना होता है 1, तो दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी, सही है। तो आप चेक कर सकते हो इसको जो भी है आंसर, तो ये 0.3 के आसपास आ जाएगा, 0.3 के आसपास आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, फॉर टू गैसियस रिएक्शंस फॉलोइंग डेटा आर गिवन, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच K1 बिकम इक्वल टू K2, तो K1 इक्वल टू K2 मतलब 10^10 e^(, इजी सा है वैसे तो, बाई टी इक्वल टू 10^12 e^-2466 डिवाइड बाई टी। तो इसको इधर ले आओ एक बार, e^2000 डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई e^-2466, ये हो गया टी इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे 10^2 बच जाएगा। अब आप इसको ऊपर ले जाओ तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, e^-2000 डिवाइड बाई टी प्लस 24606 डिवाइड बाई टी, ये आ गया। इसको सॉल्व करिए 10^2, ठीक है। अब इसका लॉग ले लोगे अपने आप आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें से, माइनस करके देख लो तो कितना आ जाएगा 2000, ये वैल्यूज तो सही है ना। अच्छा ये 20,000 है, ओके 20,000 है, ठीक है 20,000 है। तो 4 ये कितना बचेगा e^4606 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 10^2, लॉग ले लो, लॉग ले लो 4606 डिवाइडेड बाई 2.303 टी, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ, लॉग के फॉर्म में 10^2 टी निकाल सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन कर लेना, इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक भी कर लेना, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है नहीं, बोला है बराबर करने के लिए, बराबर करके टी निकाल देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो कैलकुलेशन एक बार आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। इसका देखिए, अ सेल डायग्राम शोन बिलो कंटेन्स 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर का H+
का फॉर्मूला क्या आएगा, के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। तो देखो इधर बफर सॉल्यूशन है, अगर मैं इधर का H प्लस निकालूं, H प्लस वन, ये किधर की तरफ है, एनोड है, एनोड। तो के ए इसका दिया होगा, पी के ए देखो दिया है। अच्छा पी के ए दोनों साइड सेम है, मतलब कि के ए कितना हो जाएगा 10^-4, है ना, एसिड अपॉन सॉल्ट। एसिड यहां पे है इनटू 0.1/1, ये H प्लस वन हो गया। इधर वाला इस साइड H प्लस टू बोल दे रहा हूं, 10^-4 के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हो गए, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये वाला जो H प्लस H2 से क्या बनेगा, H प्लस वन, 2+2 इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या होगा, H प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन के साथ इसका क्या होना है, रिडक्शन। यस, तो अगर मैं इसका ई सेल लिख दूं, ई सेल, ईएमएफ आपको बताना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ई नॉट सेल तो हो गया 0-0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ऐसा करता हूं, वैसे तो 0.059 होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.06, ऐसे कर लेता हूं क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में दिए हुए हैं। तो 0.06/n कितना आ जाएगा, 2 log of Q। Q क्या होगा, एनोड अपॉन कैथोड। तो एनोड का H1 का स्क्वायर हो जाएगा H प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H प्लस टू का स्क्वायर, सही है। तो अब आप देखो, तो ये देखो, ये लॉग लोगे, ये 2 2 2 कट जाएगा पहले, तो ये E इक्वल टू -0.06 log एनोडिक पार्ट। एनोडिक पार्ट में कितना है, 10^-5, 10^-5, और कैथोडिक में कितना है, 10^-4, 10^-, ये खत्म, 10^-1 बचेगा, खत्म। आंसर कुल मिला के कितना आ गया हमारा, 0.06 प्लस में, 0.06। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी था इसमें ना, 0.06। बफर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट, देखो, द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग गैल्वानिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इनका ऑर्डर लिखना है ई का। अब आप जानते हो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/n लॉग एनोड, अपन लिख सकते हैं अपॉन कैथोड। तो अगर हमें इसको बढ़ाना है तो एनोड को कम करना पड़ेगा और कैथोड को ज्यादा करना पड़ेगा, एनोड अपॉन कैथोड। तो अब ऐसा देखो, देखो ये एनोडिक पार्ट होता है, ये कैथोडिक पार्ट, इसमें दोनों बराबर ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें। इसमें देखते हैं, इसमें एनोड कम है कैथोड ज्यादा है, तो ठीक है, इसमें भी दोनों बराबर हैं, इसमें एनोड ज्यादा है कैथोड कम है, तो जिसमें एनोड कम और कैथोड ज्यादा, मतलब कि ई टू सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें एनोड ज्यादा और कैथोड कम वो सबसे लास्ट में जाएगा। एनोड ज्यादा और कैथोड कम मतलब ई थ्री जो होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी बराबर है कंसेंट्रेशन, इसमें भी बराबर है कंसेंट्रेशन, तो कट ही जाना है ना, लॉग वन ही आएगा, तो इन दोनों का तो सेम होगा, मतलब E1 और E1 इक्वल टू E4, ये आंसर बन रहा है, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, हाफ ये बैलेंस करके दिया है,
ये दिया हुआ है आपको. व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, हाफ सेल हू सेल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, ये दिया हुआ है. ये आधे का दिया हुआ है, देखो आधे का दिया हुआ है. तो देखो ओ सी एल माइनस से सी एल टू का दिया हुआ है. अब इसका निकालना है और इन दोनों हाफ सेल के हेल्प से. तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, सी एल माइनस. कॉमन फैक्टर को यहां लिखो और ऐसे एरो घुमा दो. डेल्टा जी निकालना पड़ेगा. तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल. तो देखो माइनस एन एफ यहां भी आएगा, यहां भी आएगा. अब आप जानते हो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन, इसका आ जाएगा डेल्टा जी टू. तो हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू. डायरेक्ट जाओ चाहे इनडायरेक्ट जाओ, हेस लॉ, डायरेक्ट जाने में से जो स्टेट फंक्शन में जो चेंज आता है इनडायरेक्ट के सम के क्या होता है, बराबर. तो देखो माइनस एन एफ, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई, एन एफ ई, एफ तो कटेगा तो मैं माइनस एन ई बस लिख देता हूं, एफ तो कट जाएगा. अच्छा इसका देखो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो माइनस माइनस टू ई मान लेता हूं इसको. इसका देखो यहां पे प्लस वन आएगा, सीएल पे निकाल के देख लेना यहां माइनस वन आएगा. यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पे वन आएगा, वन प्लस वन से जीरो वन आएगा. तो अब आप देखो यहां से यहां हमें चाहिए तो मैं इसी में लिख रहा हूं. देखो माइनस ई हो गया, वन क्या लिखूं इसका. उसके बाद फॉर्मूले में माइनस आएगा, माइनस एन एफ ई लिखा हुआ है. अब देखो आप ओ सी एल माइनस से सी एल हमें जाना है, दिया किसका, ओ सी एल माइनस सी एल का ही. तो सीधे आ गया माइनस टू ई वन, फिर लगाया हमने प्लस. अब देखो इसका हमें सी एल माइनस से सी एल टू जाना है, जबकि यहां पे उल्टा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो हो गया ई टू. अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1 माइनस E2. ये आ गया. अब देखो यहां से यहां तक को हमने E1 माना है, OCl माइनस से Cl माइनस, तो उसका कितना दिया है 0.94. तो दैट इज 2 इंटू 0.94 माइनस E2. E2 कितना दिया है 1.36, ये सॉल्व कर लीजिए, इसके आसपास आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए. नेक्स्ट, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x इक्वल टू क्या आता है, k इंटू टी. और x और t का ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप जो होगा वो क्या है, k इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज रूट थ्री. k की वैल्यू क्या आ गई, रूट थ्री. अब आगे चलते हैं. एट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट दिया हुआ है, हाफ लाइफ बताना है आपको. तो फॉर, तो देखो t हाफ इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट बाई टू के. ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला हुआ उसने, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर. ए नॉट हमें दिया हुआ है 17.32, टू इंटू के हमने निकाल लिया है रूट ऑफ थ्री. तो ये हमें टी हाफ आ जाएगा. एट इनिशियल कंसेंट, हाफ लाइफ पीरियड आपसे पूछा होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा था भाई. अब आप देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यहां से यहां, यहां से यहां दिया हुआ है, हाफ का पूछ रहा है. अभी बताया था आपको, जिस हाफ का पूछ रहा है उसको ऐसे लिख लो, से कॉपर,
और जो इसमें कॉमन फैक्टर है उसको बीच में लिख लो, कॉपर प्लस टू कॉमन फैक्टर है, कॉपर प्लस टू लिख दिया, ऐसे एरो लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो माइनस एन एफ ई, माइनस एन की वैल्यू वन, एफ तो कटेगा ई लिख दिया, इसका माइनस एन की वैल्यू प्लस वन वन, एफ कटेगा ई वन लिख दिया। इधर देखो माइनस प्लस टू से जीरो टू, एफ कटेगा ई टू लिख दिया। यस, अब आप देखो इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कोई आता हो तो, ये तो हमें निकालना है माइनस वन ई इक्वल। अब देखो कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस वन से कॉपर प्लस टू, उल्टा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? ये उल्टा दिया हुआ तो इसका साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो ये हो जाएगा प्लस वन ई वन, ई वन हमारा ये, कॉपर प्लस टू से कॉपर, कॉपर प्लस टू, ये सही है। तो हो गया क्या हमारा? ई वन माइनस टू ई टू। यस, या इसको थोड़ा सा, सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई वन प्लस टू ई टू। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ई वन कॉपर, कॉपर प्लस टू, ये हमारा ई वन है, तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट वन फाइव थ्री, पॉइंट वन फाइव थ्री, ये माइनस में है, और प्लस टू इंटू ये हमारा ई टू है, ये वाला कॉपर प्लस टू कॉपर वाला, कॉपर प्लस टू कॉपर वाला, ये वाला, तो टू इंटू पॉइंट थ्री थ्री सेवन, ये आंसर हमारा होगा, ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, तो अगर मैं इनका रेट लॉ लिखूं इसका, तो क्या आ जाएगा? वन बाय टू डी एन ओ टू माइनस डिवाइड बाय डी टी ना इक्वल टू वन बाय फोर डी एच प्लस डिवाइड बाय डी टी और इक्वल टू माइनस वन बाय टू डी आई माइनस डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू एनओ के भी टर्म में दिया हुआ है ना, तो एनओ का भी लिख देता हूं वन बाय टू डी एन ओ डिवाइड बाय डी टी। यस, अब आप देखो डी एन ओ टू बाई डी टी, इसकी जगह इसको पुट कर लो, इसकी जगह इसको पुट कर लो, ठीक है, और क्या है? अच्छा डी एच तक ही बस दिया हुआ है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मुझे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी जगह अपन, इसकी जगह अपन इसको पुट करेंगे, इसकी जगह अपन इसको पुट कर लेंगे और इसकी जगह इसको पुट कर लेंगे, तो होगा क्या? पहले वाले में क्या आ जाएगा? के वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू, दूसरे वाले में के टू बाई फोर आ जाएगा, के टू बाई फोर इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा? के थ्री बाई टू। अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया, तो ये आ जाएगा के वन इक्वल टू के टू बाई टू इक्वल टू के थ्री, ये आ जाएगा, ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ है, द ओके पैराग्राफ अब आ गया, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ दिया हुआ है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर हमें रेट कॉन्स्टेंट निकालना है तो रेट इक्वल टू क्या होगा? के ए के पावर उसका ऑर्डर, अगर मुझे ऑर्डर पता लग जाए तो हम ए का कंसंट्रेशन, रेट हमें पता है तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ ए, फॉर ऑर्डर ऑफ ए, अब आप देखो
जब कंसंट्रेशन डबल हुआ है तो रेट भी क्या हुआ है, डबल हुआ है। जब सीधे हीट एंड ट्रायल से भी लगा सकते हो, जब कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हुआ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ना, जब ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, इसका मतलब इसके पावर में कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो R इक्वल टू के ए के पावर कितना है, 1। फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट ही कर लो। तो रेट दिया है 0.05, हमें के निकालना है, ए हमारा आ चुका है 0.17, तो के इक्वल टू हमारा आ गया 0.05 डिवाइड बाई 0.17। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो रेट कांस्टेंट आ गया हमारा, रेट कांस्टेंट आ गया 17 × 34। इसी में से कोई आंसर होना चाहिए, ये इसमें से या इसी के आसपास होना चाहिए, ठीक है, देख लेना आप कैलकुलेशन करके। अच्छा, इसी में ये था पैराग्राफ, पैराग्राफ का द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना, एज्यूमिंग द रिएक्शन प्रोसीड बाय वन स्टेप, फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स। तो देखो, सॉरी, देखो हमने फॉरवर्ड का निकाल रखा है, अरे यार फॉरवर्ड का क्या निकाला था, फॉरवर्ड का के एफ निकाला था ना, तो वो क्या आया था, रेट 0.05 डिवाइड बाई 0.17, ये निकाला था हमने के फॉरवर्ड का। तो हम जानते हैं केसी, केसी क्या होता है, के एफ बाई के बी, केसी दिया है 0.5, के एफ हमने निकाला है 0.05 डिवाइड बाई 0.17, तो यहां से क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, के बी आ गया। रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल ना। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये भी पैराग्राफ ही है, पैराग्राफ है। तो इफ द सेल हैज सेल पोटेंशियल ई एंड ठीक है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट, देन फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, और हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, और हम जानते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जी बाई टी होता है, और उसने बोला हुआ है डी ई बाई डी टी। अब देखो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई डी ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या है क्या इसमें, तो देखो चलो अच्छा आगे देखते हैं, पहले इसमें करना क्या है, डेल्टा जी, अच्छा ओके 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 ओके, डेल्टा जी नॉट फॉर द डेनियल सेल, इसके लिए डेल्टा जी निकालना, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसका एन कितना आएगा, जिंक से जिंक प्लस टू, कॉपर प्लस टू से कॉपर, तो टू का चेंज आएगा, 2F96500 कूलम में इंटू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल हमारा निकालना है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो हमें चाहिए जिंक से जिंक प्लस टू, यहां जिंक प्लस टू से जिंक दिया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.76 प्लस। अब हमें यहां चाहिए कॉपर प्लस टू से कॉपर, कॉपर प्लस टू से कॉपर का ही दिया हुआ 0.34। अब यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 10, 1, 11, ठीक है, तो ये देखो 2 पे लगा दो, 1.1 आ गया, ये आ गया 1.1, तो -2 × 96500 × 1.1, माइनस में आएगा कुछ ना कुछ, किलो जूल में है, सभी देखो किलो जूल में है, तो इसका किलो कर लेना आप, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेट निकाल लेना, ये 2.2 हो गया × 96500, ध्यान रखना किलो जूल में है तो किलो सेट करना पड़ेगा इसका, ये डेल्टा जी आ गया कुल मिला के, मतलब ये आंसर जरूरी नहीं कि आंसर ही हो, बस इसको कैलकुलेट करिएगा आप ना।
इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अगर डी बाई डी टी इतना है तो चेंज इन एंट्रोपी, देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा जी बाई ये टी एस डेल्टा, ये डेल्टा एस है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहां गया, डी एस इक्वल टू डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई, ये माइनस में है भाई, ये आ जाएगा माइनस, यहां माइनस रहेगा ना, माइनस माइनस एन एफ डी ई बाई इसको डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एफ डी ई बाई डी टी, ये हो गया। अब आपको पता है डी बाई डी टी दिया है, एन हमें पता है, एन था टू, ये था 96500 और डी बाई डी टी दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁴, आंसर आ जाएगा डीएस, ठीक है, डीएस इसका आंसर आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पैराग्राफ, पैराग्राफ थ्री, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू हो चुका है। द डिकम्पोजिशन ऑफ एनओ टू एट 400 केल्विन प्रोसीड्स एट रेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे और कंसेंट्रेशन भी है, ठीक है। व्हाट इज द रेट लॉ व्हेन ऑब्जर्व्ड रेट इज इतना, अगर कंसेंट्रेशन इतना, तो अब आप जानते हो आर वन बाई आर टू इक्वल टू एन ओ टू वन डिवाइडेड बाई एन ओ टू टू, कंसेंट्रेशन लिख दिया ये कि पावर टू हो गया, ये पावर टू नहीं पावर एन, पावर एन आएगा, ठीक है। तो आर वन बाई आर टू 5.4 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये आ गया 0.01 डिवाइड बाई 0.005 के पावर एन। सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा इक्वल टू 2 के पावर एन आ जाएगा, सॉल्व करोगे 2 के पावर 2 आ जाएगा, 2 के पावर एन आ जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट दिया है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो आर इक्वल टू के एन ओ टू के पावर 2 आ चुका है, तो के क्या हो जाएगा आर बाई एन ओ टू के पावर 2, ठीक है। आर कितना, कोई एक आर ले लो, कोई एक ये ले लो, जैसे मान लो ये हमने ले लिया, ये आर ले लिया, उसका कंसेंट्रेशन ले लिया, तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ये है 0.01 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.54 पर सेकेंड, ये आंसर बन जाएगा हमारा, यस ओके। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी, मोर वन और मोर देन वन। तो पहला है द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है एल बाई ए, तो एल बाई ए डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये तो सॉल्यूशन के भरने से तो चेंज हो गए, चाहे कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल दें, तो सेल कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी सेल आर इंडिपेंडेंट, ये तो सही है। कोहल रॉस लॉ इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट नॉट फॉर बोथ, सभी के लिए वैलिड होता है कोहल रॉस लॉ, वीक के लिए भी स्ट्रॉन्ग के लिए भी, ये गलत हो गया। कंडक्टिविटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, तो डायलूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, ये भी सही है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जिससे कोई चार्ज प्लेट, एक्स्ट्रा चार्ज प्लेट ना जनरेट हो जाए, जिससे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना जनरेट हो, तो मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो ये सारा जो फैक्टर है बिल्कुल वेल नोन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1, 3 एंड 4।
नेक्स्ट है कंसीडर द सेल। सेल हमारे पास देखो ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन होना चाहिए, जबकि देखो ये उल्टा दिया हुआ है। तो हम अपना जो लिखेंगे देखो क्या, जिंक से जिंक प्लस टू ना, और हमें लिखना है Cl2 से Cl माइनस, टू इलेक्ट्रॉन और इसको बैलेंस करोगे यहाँ भी आएगा टू इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो सेल रिएक्शन आ रहा है वो जिंक Cl2 प्लस जिंक प्लस टू, ये इधर ऐसे आएगा एरो, प्लस टू सी एल माइनस, एक्चुअल में ये है। और n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे टू, तो q कितना आ जाएगा, जिंक प्लस टू इंटू सी एल माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल टू। तो जिंक प्लस टू कितना है, फोर, सी एल माइनस पॉइंट फाइव का स्क्वायर, तो फोर इंटू पॉइंट टू फाइव और डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज पॉइंट वन, ये कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा, टेन आ जाएगा, क्यू आ गया टेन। तो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल भी चाहिए हमें, ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ गया, ये हमें चाहिए यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां ही दिया हुआ, दैट इज पॉइंट सेवन सिक्स, और हमें चाहिए सीएल टू से सीएल माइनस, सीएल टू सीएल माइनस ही दिया हुआ है, वन पॉइंट थ्री टू। तो ये कितना आ जाएगा, एट, टू पॉइंट जीरो एट, ये आ रहा है E not cell 2.08 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। E cell अब निकाल के देखते हैं, E cell equal to 2.08 minus 0.06 divided by 2 log 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2.08 minus 0.03, ये कितना आ रहा है, 2.05, ये सही है। E cell पॉजिटिव है तो डेल्टा G क्या होगा हमारा, नेगेटिव, सो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड इसका सही है, फर्स्ट और थर्ड, यस। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो सम स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो देखो आप जानते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो बाकी को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, मतलब ये मैग्नेट आयन इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो ऐसा कुछ है इसमें मैग्नेट आयन का, मैग्नेट मैग्नेट, मैग्नेट आयन ऑक्सीडाइजेस क्लोराइड आयन, सही बात है, मैग्नेट आयन। तो सेकेंड और थर्ड तो आंसर सही है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज क्लोराइड, ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और क्लोरीन का क्या है, ज्यादा है, मतलब क्लोरीन ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको, तो ये तो गलत हो गया और ये उल्टा लिखा हुआ है, वैसे भी ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हाफ लाइफ पीरियड। सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन माइनस वन, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, सो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, पहला तो सही है, ये भी सही है, एवरेज लाइफ 1.44 हाफ लाइफ होती है, ये भी याद ही है आपको, ये 75 देखो तो किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए है, तो k इक्वल टू 1 बाई टी 75, 1 बाई 80, 80 मान लेते हैं, जब 75 पूरा हो गया तो बचा कितना, 25 माइनस इनिशियल कितना था 100, एक तो ये हो गया, दूसरा इसका रिलेशन बताना है हमें किसके साथ, टी हाफ के साथ, तो के 1 by t 50, तो ये कितना आ जाएगा, बचा कितना 50, इनिशियल बचा कितना 50, इनिशियल कितना था हमारे पास 100। अब आप इसका रिलेशन बना लो, तो ये आता है, ऐसी बात नहीं है, ये आता है। उसी तरह से ये देखो पर मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t, तो इसमें हीट एंड मतलब एक को फिक्स करके एक को सेटिस्फाई कराते हैं, तो k सेटिस्फाई करा देते हैं, 100 मिनट है, k का यूनिट भी मिनट में ही दिया हुआ है, लॉग 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब पहले 100 था तो बचा कितना 0.1, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इधर आ जाएगा,
तो 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 अप्रॉक्सीमेटली 0.069 के आसपास आएगा, 0.0, ये भी सही है। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप देखो इसमें कि सिल्वर है और जो डिपॉजिट हुआ है 0.54 ग्राम सिल्वर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर 108, तो 108 ग्राम अगर डिपॉजिट होता है तो 1 फैराडे आपको देना पड़ेगा, जबकि डिपॉजिट कितना हुआ है 0.54, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0.05 फैराडे। यस, 0.05 फैराडे, नहीं करके देख लो एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 108, तो 54 डिवाइडेड बाय 108 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, ये थोड़ा गलत है वहां पे, ये 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा, माइनस 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.00005 फैराडे, ये इतना आएगा 0.005 फैराडे आएगा, इतना आ गया 0.0। तो कूलम कितना आ जाएगा, कूलम 0.005 फैराडे इंटू 96500, इतना कूलम, ठीक है, तो करीब करीब इसका आधा आ जाएगा कूलम में, ये सही हो गया। अब आप जानते हो कूलम आई इंटू टी इक्वल टू, इसी को रख देते हैं 482.5 कूलम, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 482.5 डिवाइड बाई एम्पियर दिया होगा 1.5, 3 के आसपास आना चाहिए सेकेंड में, 3.2, हाँ ये आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो इसमें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है कप्पा, K दिया है कितना 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और सॉलिबिलिटी पूछ रहा है, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, मोलैरिटी, सॉलिबिलिटी पूछा जा रहा है, दैट इज मोलैरिटी ऑफ AgCl, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो मोलर ऑफ AgCl, मोलर कंडक्ट सम ऑफ ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, तो ये कितना आ रहा है 62.3 प्लस 67.7, तो ये कुछ बन रहा है बात, हो गया 62.3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया x, हाँ 130 आ गया। अब आप जानते हो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है 1000 K डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ना, तो 1000 K दिया हुआ है आपको 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मोलैरिटी हमें निकालना है और मोलर हमने निकाल लिया है 130 हमने निकाल लिया है, तो अब हमारा मोलैरिटी दैट इज सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना आ रहा है 1000 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 130, तो 2K देखो 7 हो जाएगा, ये एक देखो ये 7 हुआ, ये ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया इंटू 34 डिवाइड बाई 13, 2.10 टू द पावर माइनस 5 आना चाहिए, ये आ जाएगा, ये बन रहा है कुछ अच्छा, ये 2 में आंसर है, ग्राम में भी आंसर है, ग्राम ये मोल पर लीटर में आ रहा है, तो ग्राम अगर ये किसमें आया मोलैरिटी में, मोल पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्राम पर लीटर में कितना आ जाएगा 34 इंटू 10
13 डिवाइड बाय 13 10 टू द पावर माइनस 5 और AgCl, AgCl का कितना होता है 143.5 ना, कितना आएगा 108 प्लस 35.5 कितना आएगा 143.5 ये ग्राम पर लीटर में आ गया, ये ग्राम पर लीटर में आ गया। तो आप चेक करो आसपास इसके आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अल्टर इज टेकन जीरो। अरे क्यों नहीं अल्टर होता है, टाइम के साथ ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन तो चेंज होता ही होता है, तो ये तो मुझे ए भाई हो गया गलत। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी होल नंबर और फ्रैक्शनल जीरो, याद ही है सभी को, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये भी सही है, ठीक है। और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिक, ये गलत हो गया, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है और कनेक्टेड होता है रेट इक्वेशन से, स्टोइकोमेट्री देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, करेक्ट वाला सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें अब आप देख सकते हो, देखो सेल रिएक्शन क्या होता है, कैथोड और एनोड पर, कैथोड और एनोड पर, देखो एट एनोड Pb सॉलिड ऑक्सीडेशन SO4 2-, ये क्या जाएगा PbSO4, बैलेंस कर लेंगे। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है PbO2 प्लस एच प्लस प्लस SO4 2-, ये फिर से देगा PbSO4 प्लस H2, ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन। तो अब आप देखो इसमें SO2 तो इवॉल्व नहीं हुई है डिस्चार्ज, तो SO2 तो इवॉल्व नहीं हुई है, लेड सल्फेट इज प्रोड्यूस, लेड सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है एट बोथ इलेक्ट्रोड, सही बात है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, वाटर इज फॉर्म, वाटर फॉर्म हुआ है। तो आंसर अपना सेकेंड थर्ड और फोर्थ चला जाएगा, यस। नेक्स्ट देखते हैं, देखो गिवन, तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस, विल नॉट टेक्स प्लेस, कहने का मतलब है कि अगर उसका ई नॉट सेल जो होगा वो नेगेटिव अगर आ जाए तो विल नॉट टेक्स प्लेस। ऐसा ही आप देख लो, या तो ऐसे आप देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका होना चाहिए रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन। अब आप देखो निकल और कॉपर का ही देख लेते हैं, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, जबकि यहां कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो नहीं होगा। दूसरा कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है कॉपर, तो सिल्वर का रिडक्शन और कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो कॉपर का, ये सही है बिल्कुल। इसमें देखो कॉपर और एच प्लस एज्यूम टू बी जीरो होता है, तो कॉपर एच प्लस का क्या होना चाहिए, कॉपर का क्या होना चाहिए रिडक्शन और H प्लस का क्या होना चाहिए, अरे H2 का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन, जबकि ये उल्टा दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। जिंक और H प्लस, H प्लस का रिडक्शन होना चाहिए, जिंक का ऑक्सीडेशन, ये सही है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कॉप, वो क्या होता है एच, मतलब हाइड्रोजन से क्या होता है कम होता है। तो क्या पूछा है वैसे, विल नॉट टेक्स प्लेस, तो आंसर कौन सा चला जाएगा फर्स्ट और थर्ड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसके रिस्पेक्ट में उसका क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन, तो सीधा सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n log of q, मतलब हमें Q कितना चाहिए 1।
अगर Q1 हो गया तो log 1 की वैल्यू 0 तभी आएगा ऐसा, तभी आएगा ऐसा। तो देखो पहला वाला क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो देखो Q इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई, इसको बैलेंस करोगे तो 2 आएगा, सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन सिल्वर, इसको बैलेंस करोगे तो 2 आएगा क्योंकि यहां पे कॉपर में 2 है ना, तो 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। तो एक तो ये आंसर आ रहा है। दूसरा pH1 है, तो इसका देखते हैं, H2 से H+, pH1 का मतलब H+ कंसंट्रेशन 10^-1, ये 2 आएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पे बैलेंस करोगे तो Q इक्वल टू इसका भी आएगा कैथोड, मतलब 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एनोड, जैसा कि दिया है 0.01। एक बार तो ये भी आ रहा है। इसमें देखो pH1 है तो ये 10^-2 हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं आएगा, बराबर तो नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि ये 10^-2 का स्क्वायर हो जाएगा जब बैलेंस करोगे, तो ये भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट 10 का जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट और सेकेंड है, जिसमें क्यू की वैल्यू क्या आएगी बताओ, क्यू की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये वैल्यू 0 इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन्वॉल्व, तो ये भी होता है ऑक्सीडेशन, सही है, रिएक्शन याद होना चाहिए, ये भी सही है ना, ये रिएक्शन भी सही है, ये रिएक्शन भी सही है। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो रिएक्शन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं जरूर से कि क्या 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 प्रोसेस होती है। रस्ट इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, रस्ट। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस एनोड, मतलब एनोड पर हमें चाहिए O2 और कैथोड पर हमें चाहिए H2, ऐसा किस में होगा, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस। Concentrated aqueous solution of this, ना? तो देखो इसमें अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर क्या होगी, हाइड्रोजन। तो जैसे एक ले लेते हैं, यहां पे देखो यहां पे K प्लस है और प्लस यहां पे क्या है, सल्फेट -2, यस, और इस पर कहां गया, तो यहां पे क्या आएगा, H प्लस इस के लिए प्लस एक बता देता हूं, बाकी उसी तरह से। तो कहने का मतलब जिस सॉल्ट में, अब इसमें देखो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो कैथोड पर तो ये हाइड्रोजन देगा, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो एनोड पर ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, यस। उसी तरह से एक जैसे मान लो इसका बता देता हूं, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो यहाँ H प्लस आएगा और वाटर आएगा, वाटर को OH माइनस ऐसे करके लिख दे रहा हूं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड पर तो Ag आएगा, वो बात अलग है कि एनोड पर O2 आएगा। तो कुल मिलाकर आपको इसको कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल अगर H का ज्यादा है तो H जाएगा, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उससे ज्यादा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन एट एनोड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर हाइड्रोफिलिक सॉल, हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि डिस्पर्जन मीडियम के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है ना, डिस्पर्जन मीडियम के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है। तो अब देखो, दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्टेबिलिटी, सही बात है, क्यों, ऑलरेडी वो प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है, बिकॉज दे रिएक्ट विद डिस्पर्जन मीडियम, लायोफिलिक सॉल जिसको बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल जिसको बोला जाता है। तो ये तो सही है, दे डू नॉट, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल ही होते हैं,
देयर विस्कोसिटी इज ऑफ विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती, ये तो गलत हो गया। देयर सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ डिस्मस, सही बात है, सरफेस टेंशन इसका क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको याद होगा लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल के बीच में जो डिफरेंस एनसीईआरटी में दिया है उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन बताया गया। कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल गोल्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कोलाइडल गोल्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो कोलाइडल गोल्ड आप जानते हो ब्रेडिग आर्क मेथड होता है, जिसमें मान लीजिए गोल्ड का हमने, हम जानते हैं सॉल जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसका डिस्पर्स फेस का पार्टिकल का साइज होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमने गोल्ड का साइज बड़ा है तो उसको हमने क्या किया, सुटेबल सॉल्वेंट डाल के उसको क्या इलेक्ट्रिक आर्क दे देते हैं। अब जिससे वो वेपराइज होना शुरू होता है, वेपराइज होके और वापस उसी में फिर जब कोल्ड करते हैं, कूल करते हैं तो वापस उसी में गिरता है। और वेपर बन के जब वापर गिरता है तो वो जब वेपर बनता है तो वो किस साइज में चला जाता है, इन बिटवीन 1 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एनसीईआरटी में है भी। तो उसके बाद अब जो वो सोल्यूशन बना वो क्या बना, गोल्ड सॉल, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड। रिडक्शन अगर कर दोगे गोल्ड का, इसका जैसे AU पे +3 है, रिडक्शन करोगे AU देगा, गोल्ड सॉल बना देगा यहाँ से। पेप्टाइजेशन करते नहीं है, इसमें पेप्टाइजेशन आप जानते हो FeOH थ्राइस वाला है, हाइड्रोलिसिस भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये आंसर हमारा हो गया फर्स्ट और सेकेंड, गोल्ड सॉल बनाने का, कोलाइडल गोल्ड बनाने का हमारे पास दो मेथड है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। तो इमल्सिफायर क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को बाय मेकिंग इंटरफेशियल लेयर, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, इट ब्रेक्स द ब्रेक बिल्कुल नहीं करते हैं, इट कैन कन्वर्ट लिक्विड इनटू, स्टेबलाइज करते हैं जस्ट, इट ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन बिल्कुल नहीं, कोएगुलेट कर देगा तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, तो इट स्टेबलाइज, ये तो सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, लायोफोबिक सॉल्स आर इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही डिफरेंस है, लायोफिलिक क्या होते हैं, रिवर्सिबल, और लायोफोबिक क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। लायोफिलिक जो होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये नहीं करते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंटरेक्ट। तो लायोफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं, दे आर चार्ज, जबकि वो क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो लायोफोबिक सॉलर एक पे आप पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ये तो सही है। मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबव द क्राफ्ट, ये भी सही है, मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होता है। फॉस्फेट आयन है मोर कोएगुलेशन वैल्यू, वैल्यू देन कोएगुलेशन वैल्यू नहीं, कोएगुलेटिंग, कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। तो पावर किसका ज्यादा है, पॉजिटिव आयन के लिए पावर इसका ज्यादा है, क्योंकि इस पर चार्ज ज्यादा है, वैलेंसी ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये तो गलत हो गया, द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली आर वेरी स्मॉल ऑफ कोलाइडर, हाँ वेरी स्मॉल होते हैं, ये आपको याद रखना है, प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकते बट स्मॉल ही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, काफी स्मॉल ऑब्जर्व होता है। तो ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, फैक्चुअल क्या है, वैसे तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बट वो शो करना है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही उठाया गया ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखो ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस फिनोमेना, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये ब्रेक होगा तो क्या देगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6
पर 4 नेगेटिव, और ये ब्रेक होगा तो क्या देगा, 2Na पॉजिटिव HPO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से इस पर चार्ज देखो ज्यादा है, मतलब इसका पावर क्या है, ज्यादा है फॉर कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैन कॉज ग्रेटर कोएगुलेशन इन बेसिक डाई एज कंपेयर टू, बेसिक डाई क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व को अगर कोएगुलेट करना है तो नेगेटिव डालना पड़ेगा जिसका पावर क्या हो, ज्यादा हो। तो ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया ना। स्टार्च एक्वा साल कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड फॉर प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये फैक्चुअल टाइप का है वैसे। स्टार्च एक्वा साल कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड फॉर FeOH थ्राइस। अब ऐसे आप समझ लो कि स्टार्च एक्वा साल डाल दिया उसके चारों तरफ, प्रोटेक्टिव का मतलब है कि जब डालोगे आप तो उसके ऊपर चारों तरफ क्या हो जाएगी, एक न्यूट्रल लेयर बन जाएगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आता है तो इसको तो डायरेक्ट, तो इसको ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होता है। अब इसको हमने प्रोटेक्ट करना है तो हमने क्या किया, एक लायोफिलिक सॉल्ट डाल दिया उसके अंदर, लायोफिलिक तो न्यूट्रल, उसके चारों तरफ एक न्यूट्रल पॉइंट बना दिया उसने। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट बाहर से आ रहा है तो वो डायरेक्ट टच में तो होगा नहीं, वो तो वो प्रोटेक्टिव जो सॉल है उसके टच में आएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो कोएगुलेट नहीं होगा, तो हमारा अंदर ये बचा रह जाएगा। ये सही है। द स्लोप ऑफ फ्रीडलिच एडसॉर्प्शन, देखो इसमें क्या होता है, x इसको ऐसे लिख देता हूं, log x by m equal to log of k plus 1 by n log of p। तो x by m versus क्या है, log p, x by m versus log x by m वर्सेस लॉग पी का जब आप ग्राफ खींचोगे तो इंटरसेप्ट और ये आएगा ऐसे, बट ये बहुत ज्यादा ना हाई रेंज तक नहीं होता है, एक लिमिटेड रेंज तक ही होता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पर क्या होता है, जितना एडजॉर्प्शन होगा उतना ही डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर अगर दबा दोगे उसमें तो चूंकि इंटर पार्टिकल रिपल्शन बढ़ जाएगा तो जितना एड्सॉर्ब होगा उतना क्या हो जाएगा, डिसॉर्ब भी हो जाएगा। तो x by m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल या ग्राम ऑफ पार्टिकल इन एट द गिवन ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। जैसे इस पर एड्सॉर्ब होना है कोई चीज को तो ये हो गया m और ये एड्सॉर्ब हो रहा है तो ये हो गया x। अब प्रेशर आप दबा रहे हो एड्सॉर्ब हो रहा है बट फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब बहुत ज्यादा प्रेशर दबाओगे तो उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, तो जितना जाएगा वहां उतना बाहर से वैसे निकल भी जाएगा। तो x by m क्या होगा, जितना गया उतना निकल गया, तो कांस्टेंट। तो ये एक रेंज तक ही एप्लीकेबल है। अब आप देखो, ऑन मिक्सिंग AgNO3 विद लार्ज अमाउंट ऑफ KI एंड सब्जेक्टिंग द कोलाइडल स्टेट टू इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आप इसको लार्ज डालोगे, लार्ज क्या डाला है ये, तो जब लार्ज डालोगे पहले तो AgI बनेगा, उस पर जो एक्सेस में होता है उसी का कॉमन आयन जाके उस पर एड्सॉर्ब होता है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा। नेगेटिवली चार्ज जब सॉल्व बनेगा तो ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। अब आप देखते हैं समझ में, टू इलेक्ट्रोफोरेसिस कोएगुलेशन इज ऑब्टेन एट कैथोड, कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, ये किधर की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लायोफिलिक, तो सल्फर साल आप जानते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर आर्सेनियस सल्फाइड आप जानते हो हम बनाते हैं बाई केमिकल मेथड, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी केमिकल मेथड से बनाते हैं, यस, एक अल्ब्यूमिन हमारा क्या होता है, लायोफिलिक होता है बिकॉज इट हैज एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। तो आंसर क्या पूछा है, नॉट, नॉट तो हो जाएगा सेकेंड थर्ड और फोर्थ, केमिकल मेथड से बनाते हैं, लायोफोबिक सॉल है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। जिस अब देखो, कॉपर आयन कैन बी रिड्यूस बाई H2, यस, तो कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन होगा ही, और H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन,
यस, ये तो सही हो गया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन। कॉपर आयन, ये तो उल्टा हो गया, तो इस वजह से ही गलत हो गया। Sn plus 2 can be reduced by, reduce मतलब reduce का मतलब इसका reduction potential ज्यादा होना चाहिए, इसका reduction potential ज्यादा नहीं है तो ये reduction नहीं होगा। Sn can be oxidized, बिल्कुल, तो Sn का reduction potential कम है तो इसका तो होगा क्या, oxidation, जबकि इसका क्या होगा, reduction। तो जब इसका reduction होगा तो ये क्या होगा, oxidized, तो ये आंसर हो गया सही। जिसका reduction potential ज्यादा उसका होगा reduction, जिसका reduction potential कम है उसका क्या होगा, oxidation, सीधी सी बात है। अब आप देखो इसमें, जैसे देखो H2 से H+, Cl2 से Cl-, ये देखो H2 से H+, H2 से H+, तो इसका अगर मैं Q लिखूंगा तो H+ का क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या दिया है, P1, P2 भी दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई H2, तो इसका दिया है C1 और P1, इसका दिया है C1 का स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय P1, ओके। तो दूसरा है Cl2 से 2Cl-, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा C2 और इसका दिया है P2, तो इसका Q कितना हो जाएगा, C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय P2। और फिर एक दिया है Ag से Ag पॉजिटिव, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, तो ये दिया है C3, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3। अब आप देखो E सेल इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय N log ऑफ Q, यस। अब ये क्या कह रहा है, विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द C1 C2, क्या इंक्रीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा है इंक्रीज पक्का करेगा जब C1, C2, C3 का अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हमें इसको बढ़ाना है तो Q को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, Q को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अगर ये बढ़ाएंगे, अगर ये बढ़ाएंगे इनका तो Q भी बढ़ेगा, मतलब ये तो गलत हो गया, यस yes। दूसरा विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग C1 C2 एंड C3 वैल्यूज कुछ दिया है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब देखो ये तो है एनोड, ये है कैथोड, ये भी है एनोड पार्ट, यस सही है। तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको थोड़ा मुझे सही से एक बार अपन लिख देते हैं इसको। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, हमें एनोड पार्ट को क्या करना पड़ेगा, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां भी ऑक्सीडेशन, ये एनोड, एनोड पार्ट को क्या करना पड़ेगा, कम, क्यों क्या आएगा, एनोड अपॉन कैथोड, एनोड को कम और कैथोड को बढ़ाना पड़ेगा, एनोड को कम मतलब कि हमें C1 और C2 को तो घटाना पड़ेगा, और C1 एनोड पर क्या होना, जब ये कम होगा तभी ये बढ़ेगा। और ये देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दिखा रखा है, मतलब हमें C1 और C3 की वैल्यू, C1 और C3 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब ये बढ़ेगा। तो अब देखते हैं क्या है, अगर मैं C1 C3 की वैल्यू को बढ़ाऊं, विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, हाँ अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा मतलब एनोड को बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, सही है, अरे इंक्रीज ऑन मतलब कैथोड को बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ये तो सही जा रहा है, ये सही है, ये सही जा रहा है,
भाई सबका साथ में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ एनोड के हैं कुछ कैथोड के हैं, तो सबका बढ़ाओगे सबका घटाओगे तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। फिर से सुन लो, ये एनोड पर है, ये एनोड पर है, एनोड का हमें घटाना पड़ेगा फॉर इंक्रीज, तो एनोड का घटाना पड़ेगा फॉर इंक्रीज, मतलब एनोड का बढ़ाया तो ई सेल डिक्रीज करेगा, एनोड का बढ़ाया तो ई सेल डिक्रीज, मतलब कैथोड का बढ़ाया तो ई सेल इंक्रीज, तो ये तो सही जा रहा है। विल रिमेन कॉन्स्टेंट, विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ सी वन सी टू इज डबल एंड पी वन पी टू मेड फोर टाइम फॉर हाफ सेल। रिमेन कॉन्स्टेंट, सी वन सी टू को क्या कर दें, डबल कर दें, सी वन सी टू को क्या कर दें, डबल कर दें, तो सी वन देखो सी वन में क्या आएगा, सी वन में क्या आएगा स्क्वायर, और ये ऊपर रहेगा कैथोड है सॉरी एनोड है, एनोड का स्क्वायर डिवाइड बाई ये देखो कैथोड, ये भी टू आएगा बैलेंस करोगे तो कैथोड का स्क्वायर, यस, और ये क्या आ जाएगा पी टू बाई पी वन, पी टू बाई पी वन, तो सी वन सी टू को अगर डबल किया जाए और पी वन पी टू इज मेड फोर टाइम विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ सी वन एंड सी टू इज डबल, सी वन सी टू को डबल कर दिया जाए और पी वन एंड पी टू इज मेड फोर टाइम ऑफ हाफ सेल फर्स्ट एंड सेकेंड, हाफ सेल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सी वन सी टू को, सी वन और सी टू इसको डबल करोगे, इसको डबल करोगे तो ये कट जाएगा, पहले तो कट जाएगा, यस, और P1 और P2 को भी फोर टाइम करोगे पहले से, तो फोर टाइम इसका किया तो फोर टाइम इसका, तो ये भी कट जाएगा, तो log 1 0 मतलब जितना पहले था उतने का उतना ही रहेगा, तो ये भी आंसर हमारा कौन सा होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आप कि ये एनोड पार्ट है जबकि ये कैथोड पार्ट है और ये एनोड पार्ट है, तो ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है। Which of the following statement are correct? कौन से specific conductance increase on dilution? Equivalent conductance incorrect पूछा है, okay? Incorrect. तो specific conductance dilution से घटता है. Specific conductance is also called as conductivity. Incorrect पूछा है ना, तो incorrect ये हो गया. Equivalent conductance decrease on increase करता है जबकि. The conductance of all electrolyte increase with temperature. Temperature बढ़ाएंगे, ionic mobility बढ़ेगा. Conductance become maximum at infinite dilution. सही बात है. तो conductance infinite dilution बोलते हैं उसी को. The dilution at which the conductance of any electrolyte becomes constant. ठीक है, तो maximum जितना होना चाहिए था उतना हो गया. तो incorrect क्या होता है? Specific conductance increase with dilution, जबकि dilution से decrease करता है. Equivalent conductance dilution से, equivalent conductance molar conductance dilution से क्या करता है? Increase करता है. तो ये दोनों ही point हमारे क्या है? गलत है. Which of the following condition will not increase the voltage of cell? अच्छा, तो देख लो इसका, will not increase, will not increase. तो E cell equal to इसका अगर मैं लिखूं, तो क्या आएगा? E not cell माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग कॉपर प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? सिल्वर प्लस का स्क्वायर, सिल्वर प्लस का स्क्वायर. तो इसमें इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोड का डायमेंशन इंक्रीज करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है L बाई A. इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ सिल्वर, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं. तो ये सही हो गया, मतलब ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल. तो डायमेंशन चेंज करने मतलब ये करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया. विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 का अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे इसको, मतलब एनोड पार्ट इंक्रीज कर दोगे, घट जाएगा, तो इंक्रीज तो नहीं होने वाला है. नॉट इंक्रीज, नॉट इंक्रीज, तो डिक्रीज ही करेगा. इंक्रीज, हाँ सही है. तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा? 1 2 3 नॉट इंक्रीज. डायमेंशन चेंज करने से होगा नहीं,
और ये वाला अगर बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगा ना, जबकि हमें घटाना ही है, नॉट इंक्रीज पूछा, नॉट इंक्रीज। तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी में। फर्स्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, टू एसीटोन, ये दिया हुआ है यहां पे ना। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 80 मिनट। अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो के इक्वल टू कितना हो गया, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना दिया, 80 मिनट दिया हुआ है, ये आ गया। दैट इज 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ऐसा कुछ तो एक बार लिख ही सकते हैं। अब आप देखो हमारे पास है डी टी बी पी, डी टी बी पी ये भी यहां बनाया हुआ है, से एसीटोन में जा रहा है, 2 मोल ऑफ एसीटोन, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, हाफ लाइफ दिया, स्टार्टिंग विद इसका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 800, तो बाद में कितना हो जाएगा, 800 माइनस एक्स, ये 2x, आफ्टर टाइम टी तो टोटल प्रेशर बिकम्स 800 माइनस एक्स प्लस 2x, तो वो कितना दिया है 1400, नहीं ओके वो कितना दिया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन दिया है 1400, तो आफ्टर टाइम टी द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन बिकम्स 2x, और उसने कहा है 1400 है, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 1400, सो x की वैल्यू कितनी हो गई 700। तो इनिशियली तो 800 था, बचा कितना, 800 माइनस 700 ये कितना हो गया 100। यस, अब करना क्या है, बिकॉज एट द टाइम, इतना टाइम इसके रिलेशन में दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है, तो आप रख लो इसमें, अब वैल्यू रख लो, k आ गया हमारा 0.693 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए, पहले कितना था 800, अब कितना हो गया 100। तो आप यहां पे टी इसको सॉल्व करोगे, यहां पे टी आ जाएगा और इसकी वैल्यू शायद 2 के आसपास आनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो आएगी ना ये आएगी 2.4 × 10^2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। सॉल्व करके आप इसको चेक कर सकते हैं, ओके। तो इजी सा था। दूसरा वाला देखो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, ई नॉट दिया हुआ है, ई सेल भी दिया हुआ है, देन पीएच, तो इसका देखो ई नॉट सेल, ई सेल है 1.0542 इक्वल टू 1.33 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 6 लॉग, अब आप देखो क्यू, लॉग ऑफ क्यू, और क्यू क्या लिखोगे आप, क्यू क्या लिखोगे, इसका कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई इसका कंसेंट्रेशन, इसका कंसेंट्रेशन, तो सी आर प्लस 3, अब इसको बैलेंस कर दो, यहां पे 2 आएगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो सी आर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी आर 2O7 माइनस 2 इंटू एच प्लस के पावर 14, ऐसा कुछ आना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि इसका कंसेंट्रेशन भी 1 है, इसका कंसेंट्रेशन भी 1 है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये आया 1/h+14, इसमें रख दो। तो ये आ जाएगा 1/h+14। Yes, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1.0542 yes इक्वल टू 1.33 प्लस, इसको प्लस कर दे रहा हूं मैं, ये देखो 0.01 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ प्लस 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 0.01 लॉग ऑफ एच प्लस के पावर 14, ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा,
एच प्लस कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो इधर से माइनस करके डिवाइड करके उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना, तो इसका जो पीएच आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आ जाएगा, पीएच जो आएगा वो 2 के आसपास आ जाएगा ना। ये 14 आप यहां पे कर लो इसको सॉल्व, 14 इधर करके आप कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ओके नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी पर ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस x है, हाउ मच वाटर बी एडेड टू 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन सो दैट द एक्टिविटी फॉल्स टू x by 20 पर ml आफ्टर 4। देखो पर ml पर एक्टिविटी x है, तो 20 ml की एक्टिविटी 20 ml कितनी हो जाएगी, 20x हो जाएगी आफ्टर फोर हाफ लाइफ 16 टाइम कम हो जाएगा, ये हो गया। और उसमें आफ्टर फोर हाफ लाइफ VML वाटर भी ऐड किया, आफ्टर एडिंग VML वाटर तो कितना हो जाएगी एक्टिविटी, 20x डिवाइडेड बाय 16 और ये 20 प्लस किया था, 20 में ही ऐड किया था, इतना डिक्रीज कर गया VML वाटर ऐड करने पर 4 हाफ लाइफ के बाद, और वो कह रहा है कितना डिक्रीज किया है, दैट इज x बाय 20। तो यहां से दोस्तों आप x x कट जाएगा, सही है, तो ये कितना आ जाएगा 400 इक्वल टू 16 20 प्लस v, 400 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 20 प्लस v, ये 4 हो गया और ये 100 हो गया, ये हो गया 25, v की वैल्यू कितनी आएगी 5 ml पानी और डालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे नेक्स्ट, फोर क्वेश्चन में अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इतना ml कंटेन इतना मोल दिया है, पहले तो इसका कंसेंट्रेशन एक बार निकाल लेते हैं, h प्लस कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 0.05, और ये लीटर में है तो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, ये आ गया हमारा 10⁻⁵, ये हो जाएगा 6/5 × 10⁻⁷ × 10⁵, ये बात हो गई, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁷ × 10⁴, तो ये कितना हो जा रहा है 12 × 10⁻³, तो ये आ जाएगा जो भी आ गया, चलो इतना हो गया, ये हमारा एच प्लस है। अब आप देखो क्या कह रहा है, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच प्लस, रेट दिया हुआ है, इट टेक्स इतना सेकेंड फॉर एच प्लस इन डिसअपीयर का मतलब है कि रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और रिएक्शन कंप्लीट बिल्कुल किस में हो जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, मतलब ऑर्डर क्या है इसमें, ऑर्डर इक्वल टू जीरो, और जीरो ऑर्डर है तो आर इक्वल टू के एच प्लस, तो इसके पावर जीरो जो आर होगा वही क्या होगा, के होगा, और कंप्लीट हो गया, फॉर कंप्लीट रिएक्शन तो ए नॉट पहले था, ए नॉट माइनस एक्स, इधर मान लो एक्स आ गया तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए नॉट के बराबर, तभी ये इधर क्या होगा, जीरो होगा। अब आप देखो फॉर जीरो ऑर्डर x इक्वल टू क्या होता है kt, x हमारा आ चुका है 12 × 10⁻³, और k हमने निकाल लिया है r के बराबर है, r कितना है 6 × 10⁵, तो t आ जाएगा, तो t कितना आ जाएगा 12 × 10⁻³ / 6 × 10⁵, ये हो गया 2,
ये हो जाएगा 2 × 10⁻¹. 2 × 10⁻¹. तो x की वैल्यू की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. x की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल बी इलेक्ट्रोलाइट. चलो ये तो इजी सा है. 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2. 4 फैराडे का चेंज आता है, 4 फैराडे का. तो 4 × 96500 कूलम से 36 ग्राम इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है. 36 ग्राम, तो 96500 से कितना होगा, 36 ÷ 4 × 96500 × 96500, एक कट गया तो ये आ जाएगा 9 ग्राम. 9 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्लैटिनम सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, करंट इतना दिया है, एज अ रिजल्ट इतना ग्राम. कैलकुलेट द चार्ज. द प्लैटिनम पे मान लो चार्ज मान लेते हैं प्लस एन है, तो एन इलेक्ट्रॉन गिव्स प्लैटिनम. तो देखो 195, देखो एन फेराडे जब पास करोगे तो कितना आएगा, 195 ग्राम. हमने या अपन कह सकते हैं N × 96500 कूलम जब पास करोगे तो 195 ग्राम हमें मिलेगा. आपने कितना पास किया है, 2.5 ⁴ = I × t, 2.5 एम्पियर, और टाइम है 2 आवर, 2 × 60 मिनट × 60 सेकेंड. तो 2.5 × 36, 100 × 2, इतना ग्राम. 195 ÷ N × 96500 × 2.5, 2 कितना हो जाएगा, 5 × 96500 = 3600. अगर हम इतना चार्ज पास करें तो इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ. उसने बोला है कि वो कितना ग्राम है, 9.09 ग्राम. तो हमारा कुल कितना आ गया, देखो 195 × 5 × 3600 ÷ N × 96500 = 9.09. तो यहां से हम n निकाल लेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे. कैलकुलेशन कर लेना है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड ब्राइन कैलकुलेट द मोल ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड बाय. तो देखो Cl- है, Cl2 देगा 2 और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन. मोल ऑफ क्लोरीन गैस, मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो 2 फेराडे से 1 मोल आ रहा है. कितना पास किया आपने, 4 फेराडे पास किया, तो 4 फेराडे से कितना होगा, 2 मोल Cl2 पास. इजी सर. इसमें देख लीजिए, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है इसका. डेल्टा, इफ डेल्टा जी नॉट फॉर दिस सॉल्यूशन इज xf दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो देखो MnO4- से MnO2, इसका डेल्टा जी कितना दिया हुआ है, xf. कोई बात नहीं, इसका डेल्टा जी दिया हुआ है xf, डेल्टा जी नॉट. अब आप देखो इसका दिया हुआ, इसका हाफ दिया हुआ, इसमें कॉमन देखो कौन सा है, Mn+2 है. Mn+2 कॉमन है, ऐसे दौड़ा दिया. यस, यहां देखो आएगा +5 + 2, यहां पे आएगा +4 + 4. तो +5 से ये देखो -3 NFe, इसका 1 मान लेते हैं, चलो -NFe. +5
प्लस सेवन आएगा, सॉरी प्लस सेवन आएगा, प्लस सेवन, प्लस सेवन से तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस फाइव एफ ई वन, और इधर आ जाएगा माइनस टू एफ ई टू। ये पता ही है हमें, डेल्टा जी हमें दिया हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू डायरेक्ट एक्स एफ बोला हुआ है, तो एक्स एफ इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू। अब आप देखो MnO4 से Mn प्लस टू, MnO4 से Mn प्लस टू, माइनस फाइव इंटू एफ इंटू 1.5, ये हो गया प्लस Mn प्लस से ये हमें चाहिए, जबकि उल्टा है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2 इंटू एफ इंटू 1.25, एफ 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 कट जाएगा दोस्तों, यहां से आ जाएगा एक्स, एक्स आ जाएगा यहां से, सही है एक्स आ जाएगा यहां से, MnO4 से Mn प्लस टू और MnO2 से ये हो गया हमारा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और डेल्टा जी की वैल्यू उसने यहां पे दिया है एक्स एफ, डेल्टा जी की वैल्यू क्या दिया है एक्स एफ, तो कर लीजिए इसको या इसको ऐसा करो, इसको ऐसे कर लो, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, सो एक्स एफ इक्वल टू माइनस एन एफ, हमें x ही निकालना है ना, ठीक है चलो ये सही, यहां से x आएगा, x आ जाएगा, डेल्टा g की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा g नॉट यहां से यहां तक की ऑलरेडी दिया हुआ है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम, देखो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एन माइनस वन होता है, तो टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू इक्वल टू ए टू बाई ए वन के पावर एन माइनस वन। तो देखो टी हाफ ये है, ये ए वन है, तो अब इसमें रखो टी हाफ पहले 200 था, अब कितना हो गया 50 इक्वल टू पहले ए टू कितना है, ए टू पॉइंट वन, और पॉइंट फोर ए बिकम इतना, इट इज 50, तो ए टू, ए टू हो गया हमारा पॉइंट फोर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पॉइंट वन के पावर एन माइनस वन, ये फोर हो गया, तो इधर भी फोर आ गया, इधर भी फोर हो गया एन माइनस वन, सो एन माइनस वन इक्वल टू वन, सो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा टू, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, द आर्हेनियस इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल नाइट्राइट एंड एथाइल नाइट्राइट, ये दिया हुआ है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेट कॉन्स्टेंट आर इक्वल, तो कर दो इनको इक्वल कर दो, तो 10 टू द पावर 13 ई टू द पावर माइनस 152.3 डिवाइड बाय आरटी इक्वल टू 10 टू द पावर 14 ई टू द पावर माइनस 157.7 डिवाइड बाय आरटी, ठीक है। टेम्परेचर आपको बताना है, टेम्परेचर आपको बताना है, तो इसको कर लो कैलकुलेशन, e के पावर माइनस वन फाइव 2.3 डिवाइड बाई आर टी, ठीक है ये इधर आएगा ऊपर चला जाएगा, तो प्लस 157.7 डिवाइड बाई आर टी, ये तो e के पावर में हो गया, इसको इधर लेगा इधर बचा 10, अब
अब आप लॉग लोग लेना पड़ेगा आपको, इसको माइनस करके e के पावर प्लस में आ जाएगा, प्लस में 152, 3, 4, 5, देखो ये कितना आ रहा है, 15 से तो 15 गया, तो ये हो जाएगा 5.4 by RT equal to 10. अब इसका log ले लेना, तो log लोगे तो 5.4 divided by 2.303 RT equal to 10. यहां से T निकाल लीजिएगा, यहां से T निकाल लो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब K इक्वल टू लॉग है तो 2.303 डिवाइड बाय T लॉग A बाय A माइनस X, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, KT बाय 2.303 ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ A माइनस X, A बाय B, सो लॉग ऑफ A माइनस X इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस KT बाय 2.303 ये आना चाहिए, ये आ गया हमारा इक्वेशन ना। तो हमारा टाइम और इसके बीच में है, तो स्लोप कितना आया, स्लोप इक्वल टू कितना आ रहा है, नेगेटिव स्लोप ही है, K बाय 2.303 इक्वल टू 45, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, सो K इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303, ये K आ गया। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज इतना, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यस तो हाफ लाइफ पीरियड इज लॉग एक्स, तो देखो लॉग के टर्म में है, लॉग के टर्म में, तो के इक्वल टू, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ इक्वल टू लॉग ए नॉट बाई टू ऐसे आएगा। देखो k से k तो कट जाना है ना, k से k तो कट गया, तो t हाफ इक्वल टू क्या आ रहा है, log ऑफ 2 आ जाएगा, log ऑफ 2, इट्स हाफ लाइफ इज log x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x कितना हमारे पास है 2, x हमारे पास कितना है दोस्तों 2 है। तो 12 क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, k दिया है और k क्या होता है, kf बाई kb, ये कितना दिया है, के फॉरवर्ड दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, के फॉरवर्ड होगा और यहाँ के बैकवर्ड भी होगा, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 1.66, के फॉरवर्ड है 0.166, तो के बैकवर्ड कितना हो जाएगा, के बैकवर्ड हो जाएगा 0.166 डिवाइडेड बाई 1.66, तो 0.1 टाइम ही कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.1, एक बात ये हो गई। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के का देखो यूनिट पर आवर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अब दिक्कत देखो के जो लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तो 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स लिखते हैं, ये रेट कांस्टेंट है पूरे रिएक्शन का, अब इसमें के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड के फॉर्म में दिया, तो इसको बोलते हैं के ओवरऑल, के ओवरऑल, तो के ओवरऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा, k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a बाय a माइनस x k ओवरऑल, k ओवरऑल इतना हो गया ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0.166 प्लस 0.1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम ही पूछा हुआ है आपसे टी, और देखो 80% कंप्लीशन के लिए पूछा है, तो पहले रहा होगा 100, अब बचा कितना, तो यहां से हम निकाल सकते हैं टी, ठीक है, यहां से अब आप क्या निकाल सकते हो टी, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, एंटी लॉग लेके टी 6 आवर के आसपास आना चाहिए, ओके टी 6 आवर के आसपास आएगा।
ओके, तो ये हमारा सारा जे एडवांस का जो डीटीएस है उसका सारा सॉल्यूशन था। इजी भी क्वेश्चन थे आपने देखा होगा, और थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन थे। जैसे तो आप देखोगे जेई में इसी तरह से बैलेंस रहता है, टफ क्वेश्चन भी रहते हैं, इजी भी क्वेश्चन रहते हैं। अब आपने वो सिलेक्ट करना है कि पहले आपको किसको करना है। और सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे किस पर थे, कंसेप्चुअल बेस्ड थे, याद भी आपको होना चाहिए, ठीक है, और उसकी समझ भी होनी चाहिए, तब जाके वो पेपर सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।